स्वारघाट में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वे इन सेवा केंद्रों में सूचित कर सकता है और यहां पर कार्यरत कार्यकर्ता लोगों की सहायता हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी सहायता तत्काल प्रभाव से देने में सक्षम होगी वह प्रदान की जाएगी। इस सेवा केंद्र के प्रभारी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला बिलासपुर के अध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल को बनाया गया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस स्वारघाट शक्ति केंद्र सेवा केंद्र से टरवाड़, री, सवाहन, कुटेहला, मंझेड़, टालिब, तनवोल पंचायत लाभान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में 7 स्थानों पर सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इस महामारी से निपटने के लिए कारगर उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और भी कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं ताकि इस महामारी की जंग को जीता जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वह सरकार के द्वारा जो भी SOP जारी की गई है उसका पालन करें और महामारी से स्वयं को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। भारतीय जनता पार्टी श्री नैना देवी जी मंडल ने इस विधानसभा क्षेत्र में 7 सेवा केंद्र खोलकर इस कोरोना महामारी के संकट काल में जन सेवा करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत पिछले कल श्री नैना देवी जी में सेवा केंद्र शुरू किया गया और आज इस स्वारघाट शक्ति केंद्र का सेवा केंद्र यहां पर शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से जो है इस शक्ति केंद्र की टरवाड़, स्वहन, कौड़ावाली, बहल, री, कुटेला, मझेड़, तनवौल और टाली पंचायत की जनता की सुविधा के लिए इसे खोला गया है। इसका उद्देश्य रहेगा कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस कोरोना काल में उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है, उसकी सहायता उपलब्ध कराना इस सेवा केंद्र का उद्देश्य है, जिसके लिए हमने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष किशन चंदेल जी को प्रभारी बनाया है। हमारे तिलकराज जी, हमारे बंटू धर्माणी जी, बालक मुकंद जी, ये सब उनका सहयोग करेंगे, रंगी राम जी, और इसके साथ साथ पूरे इस शक्ति केंद्र के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो प्रधान है, BDC मेंबर है, जिला परिषद के सदस्य हैं, उसी तरह से बूथों के अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इसे सफल बनाएंगे। कार्यकर्ता हर दृष्टि से इसको चलाने में सहयोग देंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां मदद पहुंचाने का काम मिलकर सब करेंगे। इस दृष्टि से इस सेवा केंद्र को यहां पर खोला गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा ही संगठन अभियान लिया है उसको पूरा करने में ये सेवा केंद्र सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।